मांझी जिंदाबाद, डॉक्टर संतोष मांझी जिंदाबाद। और माननीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, महिलाओं के लिए जो काम किया है, उन पर जो विश्वास किया है, उसी का फल है कि महिलाएं क्षेत्र में आगे निकल रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में आज विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आए हैं और इस उपचुनाव में एनडीए के ने एक बड़ा इतिहास रचा है। खास करके एनडीए के जो चारों कैंडिडेट चार जगहों से चुनाव मैदान में उतरे थे, उन सब ने शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है इमामगंज में दीपा मांझी का, जिन्होंने अपनी ससुर की सीट यानी कि जीतन राम मांझी की सीट पर जीत हासिल करने में सफलता पाई है। तो जब दीपा मांझी ने जीत हासिल की तो जीत की खुशी में उनकी माँ भी खूब उत्साहित हैं और दीपा मांझी की मां यानी कि ज्योति मांझी अपनी बेटी की जीत पर उत्साहित होकर के विक्ट्री सिंबल दिखा रही हैं, लोगों का उत्साहवर्धन कर रही हैं और बेटी की जीत पर फूले नहीं समा रही हैं। दरअसल आपको बताएं कि बाराचट्टी से विधायक हैं दीपा मांझी की मां ज्योति मांझी और वह जीतन राम मांझी की समधिन है। तो जहाँ जीतन राम मांझी ने इस बार लोकसभा के चुनाव जीते और उनकी सीट खाली हुई, तो उसी रिक्त सीट पर इमामगंज से दीपा मांझी चुनाव मैदान में उतरी और अब अपनी मां और ससुर की भांति वह भी विधानसभा में पहुंच जाएंगी। साथ ही साथ इनके पति संतोष सुमन भी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। तो एक पूरे के पूरे जो परिवार में अलग अलग तमाम लोग हैं, उन सब की जो राजनीतिक एंट्री है वह जोर शोर से रही है और शानदार सफलताएं हासिल की हैं। तो बेटी की आज बड़ी जीत हासिल हुई है। तो जीत के बाद मां ज्योति मांझी का यह आप वीडियो देख रहे हैं, जहां उन्होंने काफी उत्साह के साथ अपनी बेटी की जीत का जश्न मनाना शुरू किया है। आपको बता दें कि जो दीपा मांझी हैं, उन्होंने अपने निकटतम जो यहाँ मुकाबला हुआ था इमामगंज में, इसमें राष्ट्रीय जनता दल के रोशन कुमार के मुकाबले करीब 7300 वोटों से जीत हासिल की है और यहाँ पे उनकी बड़ी जीत हासिल हुई है। ये तो अपनी बेटी की जीत के बाद ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं वीडियो, जिसमें कि उनकी मां ज्योति मांझी अपने समर्थकों से घिरी हुई हैं और समर्थकों के साथ घिर करके वह बेटी की जीत का जश्न मना रही हैं। साथ ही साथ वह यह भी बता रही हैं कि उनकी बेटी की जो जीत हुई है, इस जीत से एनडीए कैसे बिहार में मजबूत हुई है और यहाँ जो तमाम इमामगंज है वहाँ के लोगों ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रति, एनडीए के प्रति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कैसा भरोसा जताया है, जिसका नतीजा रहा है कि आज इमामगंज में इतिहास कायम करने में हम यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने कामयाबी हासिल की है और दीपा मांझी को यहाँ पे बड़ी जीत हासिल की है। तो हम आपको छोड़े जाते हैं ज्योति मांझी के वीडियोज के साथ। आप सुनिए और देखिए कि कैसे दीपा मांझी के जीत का जश्न मनाया दल का ये विश्वास है। और माननीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, महिलाओं के लिए जो काम किया है, उन पर जो विश्वास किया है, उसी का फल है कि महिलाएं क्षेत्र में आगे निकल रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो जो जीत गए जनप्रतिनिधि, उनसे भी मेरा यही अपील होगा कि जिस प्रकार जनता ने महिलाओं पर भरोसा किया है, तो सबसे ज्यादा काम करने वाली घर में महिलाएं हैं। महिलाओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, शिक्षा के ऊपर, लड़कों का, लड़कियों का, जो भी है, जो भी सरकार का जो संसाधन है, जो भी सरकार का जो सुविधाएं देने का है, वो जमीन पर उतारे। ये जनप्रतिनिधियों का पहला दायित्व होना चाहिए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इधर देखिए कि जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैडम, 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 जनता मालिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जल्दी सब लोग चल बिट्री सब लोग। करो या ना करो, काम में आगे बढ़ो। ए बाबू भाई, आओ जल्दी। जिंदाबाद, दीपा मांझी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। डॉक्टर संतोष मांझी